हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका खान इलेक्ट्रिकल इंडिया में। आज हम आपको दिखाने वाले हैं ये जो एमसीबी है फ्रेंड्स, ये बार बार ड्रॉप हो रहा है और ये अपनी जगह पर स्टॉप भी नहीं हो रहा है। तो इसकी जगह पे हम नया एमसीबी लगाने वाले हैं। कैसे लगाएंगे उसका तरीका भी आपको बताएंगे। ये 10 का एमसीबी है, इसकी जगह हम 10 का ही एमसीबी लगाएंगे। देख पा रहे होंगे फाइन का एमसीबी लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, उसके लिए हमें एमसीबी चेंज करने के लिए हमें ये एमसीबी बॉक्स को खोलना पड़ेगा। तो फटाफट से एमसीबी बॉक्स खोल लेते हैं। एमसीबी बॉक्स को हम ओपन कर चुके हैं फ्रेंड्स। एमसीबी को चेंज करने का फ्रेंड्स सबसे आसान तरीका है, जैसे जैसे वायर लगाई गई है वैसे ही वायर को लगाना है। ये देखिए, ये वह एमसीबी इस एमसीबी के साथ लिंक है और इस एमसीबी में सिर्फ एक वायर ही यूज़ किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर स्टॉप देख पा रहे होंगे, अब ये स्टॉप हो गया है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूँ, ये जो एमसीबी है एमसीबी बिल्कुल सही है। इसका हमें कंडीशन पता लग गई है कि ये ड्रॉप क्यों हो रहा था और अपनी जगह पर क्यों नहीं रुका था। इसका सबसे बड़ा फ्रेंड्स कारण है ये एमसीबी बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। ये मुझे भी फ्रेंड्स पता नहीं था, अब मुझे पता चल गया है ये ख़राब नहीं है, ये बिल्कुल सही है। इसका ड्रॉप होने का कारण था जो इसका ऊपर का बॉक्स रहता है फ्रेंड्स, वो प्रॉपर तरीके से नहीं लगाया गया था, इसलिए ये अपनी जगह पर एमसीबी नहीं रुक रहा था। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एमसीबी है बिल्कुल ही देख पा रहे होंगे बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल सही कंडीशन में है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल घंटी का आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके फ्रेंड्स। इसे एमसीबी को चेंज करने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये एमसीबी बिल्कुल ही ठीक है। इसका जो कारण था, जो ऊपर बॉक्स रहता है वो सही कंडीशन में नहीं लगा हुआ था, इसीलिए ये एमसीबी ड्रॉप हो रहा था। मिलते हैं फ्रेंड्स इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में।